अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा एक डिज़र्ट जो कि पाइनएप्पल डिज़र्ट है वो बनाना सिखाऊंगी। पाइनएप्पल डिलाइट भी इसको बोला जाता है, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स है लेकिन टेस्ट इतना कमाल का है कि आपका बार बार बनाने को इसका दिल चाहेगा। इसके लिए मैंने ली है पाइनएप्पल जेली की एक मैंने पैकेट लिया है, कोई भी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपने एक कप गर्म पानी डालना होता है और एक कप ठंडा पानी डालना होता है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट्स में देखते हैं कि बहुत ही अच्छी सी क्यूब्स और बड़ी थिक सी बनी होती हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी को कम कर दें तो वो बिल्कुल वैसे ही बनेंगी। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें पाइनएप्पल जेली को बना के मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब मैंने डाली है एक टिन, मैंने डाला है इसमें क्रीम का। किसी भी कंपनी के आप क्रीम ले सकते हैं, टेट्रापैक ही ले सकते हैं, इस तरह टिन वाली ले सकते हैं। इसको आप डाल के अंदर मैंने डाला है 4 टेबलस्पून दूध के और अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पाइनएप्पल सिरप डाला है। इसमें स्लाइस थे उसमें से सिरप ले लिया और थोड़ी सी इसमें मैं आइसिंग शुगर मिक्स करूँगी ताकि ये थिक सारे। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने आइसिंग शुगर डाली है क्योंकि क्रीम मीठी नहीं होती, तो थोड़ा सा आप आइसिंग शुगर डाल लें। अगर चाहें तो आप इसमें कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। इसको अच्छे से डाल के मिक्स कर लें, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ मैंने पाइनएप्पल्स लिए हैं, उनको चंक्स में मैंने काट लिया है। इसको इस तरह काट के मैंने 5 से 6 स्लाइस लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल लें। इस तरह मैंने काट के इनको अंदर मिक्स कर लिया है। अब हम बनाएंगे इसके पाइनएप्पल जेली के चंक्स बनाएंगे, इसके छोटे पीस करेंगे और इसको अंदर ऐड करेंगे। डैट्स इट, बस इतनी सी रेसिपी है लेकिन ये इतनी मज़ेदार है। इसको आप गेट्स के आपके गेस्ट आ रहे हैं बहुत जल्दी से, आपने कोई स्वीट तैयार करनी है तो आप इसको बना सकते हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार है, बच्चे भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप थोड़ा सा उनको गाइड कर दें तो वो बना लेंगे। ज़रूर इसको ट्राई करने दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार सी इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।